खबर शाहजहांपुर जनपद से, जहां के एस आनंद पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में संजीव कुमार वाजपेयी अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण क्षेत्राधिकारी पोआन जनपद शाहजहांपुर के पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे अभियान तलाश वांछित वारंटी अपराधी व रोकथाम एवं शराब शस्त्र बिक्री निर्माण तथा मादक पदार्थों की धरपकड़ चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन गश्त के दौरान थाना बंडा पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। एसएचओ मनोज कुमार का खौफ, अपराधियों के पसीने छूट रहे हैं और एक एक करके जेल जाते हुए नजर आ रहे। ऐसा ही एक मामला दिनांक 23/5/2022 को थाना बंडा पुलिस टीम थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था एवं तलाश वांछित अपराधी के थाना क्षेत्र में मामूर थी कि मुखबिर खास की सूचना पर सोमेश्वरनाथ गोमती नदी पुल के पास अभियुक्त गढ़ मुस्तफा और फराजू पुत्र बुरे ग्राम खेड़ा रट थाना जैतीपुर जनपद शाहजहांपुर मुनेन्द्र पाल सिंह और पप्पू पुत्र लाल सिंह निवासी मकरंदरपुर थाना पूरनपुर जनपद पीलीभीत को समय सुबह करीब 6:10 पर मनोज कुमार ने अपनी टीम के साथ गिरफ्तार कर लिया। नियमानुसार जामा तलाशी पर अभियुक्त मुस्तफा और फराजू उपरोक्त से 1 किलो 125 ग्राम और अभियुक्त मुनेन्द्र पाल सिंह और पप्पू से 1 किलो 275 ग्राम अफीम बरामद की गई तथा UP 27 AG 5335 होंडा साइन बाइक को सीज किया गया। बरामदगी के आधार पर नियमानुसार अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। अभियुक्त गढ़ उपरोक्त को विधिक कार्रवाई के उपरांत न्यायिक हिरासत में भेजा गया। शाहजहांपुर जनपद से मोहम्मद हनीफ की रिपोर्ट। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध निरंतर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में चल रही कार्रवाई के क्रम में थाना बंडा को और थाना जैतीपुर को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। थाना बंडा द्वारा मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 किलो 400 ग्राम अफीम बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 2,40,00,000 रुपये है। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनके नाम मुस्तफा और मुनेन्द्र पाल है, जिनमें से मुनेन्द्र पाल जनपद पीलीभीत का निवासी है। इनसे पूछताछ की गई है और पूछताछ के आधार पर अन्य तथ्य प्रकाश में उन पर कार्रवाई चल रही है। जैतीपुर को इसी क्रम में एक अभियुक्त रणजीत सिंह को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई, जिसके कब्जे से 500 ग्राम अफीम बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 50,00,000 रुपये है और ये गड़िया रंगीन का रहने वाला है थाना क्षेत्र का। इन अभियुक्तों से विस्तृत पूछताछ में बहुत से महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में आए हैं, जिन पर हमारा फॉलोअप एक्शन चल रहा है। इन अभियुक्तों के विरुद्ध संबंधित थानों में सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की।